अभी अगर 20+ हो चुके हो तो तुम्हारा भी टाइम आ गया है अपना घर छोड़ने का और बाहर निकलने का। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे घर में कोई दिक्कत है तभी तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर जाना चाहिए। नहीं, हमारा घर तो हमारे लिए कंफर्ट जोन होता है, मतलब हमारे लिए सबसे सेफ जगह हमारा घर ही होता है। जैसे पानी में चलने वाले जहाज के लिए सबसे सेफ जमीन पर रहना होता है, लेकिन वो जमीन पर रहने के लिए नहीं बना होता है, उसे समंदर में उतरना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह हमको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज कंफर्ट जोन विल किल आवर क्रिएटिविटी। तो यही सोचकर मैं अपने अम्मी अब्बू फैमिली और दोस्तों से खुशी खुशी विदा लेकर बैंगलोर के लिए निकल गया। तो सबसे पहले मेरे सबसे खास दोस्त ने मुझे बस स्टॉप पे छोड़ा, फिर वहां से मैं सबको फाइनली बाय बोलकर बस पे बैठ गया। एंड देयर माई फीलिंग वॉज काइंड ऑफ मिक्स। मैं बहुत दुखी भी था और साथ में बहुत खुश और एक्साइटेड भी था कि यार मैं घर से जा रहा हूँ इतने दिनों के बाद और वहाँ मुझे मेरी फैमिली की बहुत याद आएगी। लेकिन साथ ही मैं बहुत एक्साइटेड भी था कि मैं बैंगलोर में बहुत सारे नए लोगों से मिलूंगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखूंगा और बैंगलोर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड ओवरऑल आई विल ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली इन बैंगलोर। तो इन्हीं सारी फीलिंग्स के साथ मैं लखनऊ पहुंचा और फिर बस स्टॉप से रिक्शा लेकर हम पहुंचे चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ। हमारी ट्रेन शाम के 6 बजे की थी और मैं घर से कुछ डिनर भी नहीं लाया था। फिर मैं बाहर गया और डिनर पैक कराकर ट्रेन में बैठ गया और अब अगले 48 घंटों के लिए मैं ट्रेन में ही रहने वाला हूँ। फिर रात को डिनर करके हम सो गए और अगले दिन सुबह मैं ट्रेन में घूम टहल कर ट्रेन की थोड़ी हालत चेक कर रहा था जो कि काफी अच्छी थी और फिर मैं अपनी सीट पर बैठ गया और बाहर के नज़ारे देखने लगा। एक चीज जो मैंने ट्रेन में एक्सपीरियंस किया एंड दैट कि मैं स्ट्रेंजर से बात करने में अब थोड़ा अच्छा हो रहा हूँ, विच इज ग्रेट। और अब लगभग 48 घंटे के बाद हम यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे उतरे। यहाँ उतरते ही भीड़ के दर्शन हो गए और फिर कुछ देर के बाद हम भीड़ को चीरते हुए बाहर निकले। ऊबर बुक करके हम गाड़ी में बैठे। अब हम लोग बढ़ रहे थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब अपने रूम की तरफ, और दिल की धड़कन नॉर्मल से थोड़ी सी तेज थी, मन थोड़ा उदास था और बाहर की ऊंची ऊंची इमारतें देखकर दिमाग में बस एक ही शायरी बार बार आ रही थी और वो शायरी कुछ यूं थी, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना फिर उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों में फिर अपना पांव तलाश करना, निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंद बाला इमारतों में फिर अपना गांव तलाश करना। तो इन्हीं सारी फीलिंग्स के साथ हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और अपनी 48 घंटे लंबी जर्नी को कंप्लीट करके अपनी लाइफ जर्नी के लिए तैयार होने लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।